हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने फ्री डिश पे नए चैनल्स को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं मेन्यू के बटन को सिलेक्ट कर लूँगा। ये जो रिमोट है ये हमारे डिश टीवी का रिमोट है, मतलब जो हमारा सेट टॉप बॉक्स है उसका रिमोट है। तो इससे हम अप डाउन की को यूज़ करके हम एडिट प्रोग्राम में चले जाएंगे और पहले जो हमारे पुराने वाले चैनल है उनको डिलीट कर देंगे। तो ओके प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे डिलीट ऑल का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे ओके कर देंगे और पुराने वाले सारे प्रोग्राम्स को हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे। उसके बाद मैं चला जाऊँगा प्रोग्राम सेटअप में। यहाँ पे आने के बाद आपको ऑटो स्कैन का ऑप्शन मिल जाता है, तो इसे ओपन कर देंगे और फिर इसे हम ओके का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमारी जो स्कैनिंग की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये प्रोसेस ख़त्म होने तक हमारे जो डिश है उसके अंदर जो नए चैनल ऐड हुए हैं वो हमारे टीवी में भी आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे 5 से 10 मिनट तक वेट करना है। तो यहाँ पे जो है नए चैनल ऐड हो रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे सारे नए चैनल जो है वो ऐड हो चुके हैं। तो उसके बाद हम इसे कैंसिल कर देंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे चैनल्स मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये टोटल चैनल्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो गाइस इस प्रोसेस को आपको 3 या 6 महीने में रिपीट करते रहना है ताकि जो नए चैनल है वो आपके टीवी में ऐड होते रहेंगे।